नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार चैट। राम मंदिर निर्माण के लिए बलिया से निकले राम भक्त और विरोधियों पर किया जुबानी प्रहार। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से। अयोध्या राम मंदिर बनने के लिए 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाली सर्वधर्म सभा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लगभग 10,000 कार्य सेवक बलिया से अयोध्या के लिए अपने अपने साधन से निकले। जहां कोई ट्रेन से, कोई अपनी गाड़ियों से अयोध्या के लिए निकल चुके हैं, वहीं सुरेंद्र सिंह बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी और मुलायम सिंह यादव पर तीखे प्रहार करते हुए अन्य विरोधियों की तुलना वैश्या से की है। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ी तो राम मंदिर बनाने के लिए कुर्बानी भी दी जाएगी। वहीं अयोध्या जा रही वासडीह विधानसभा की नेत्री केतही सिंह अयोध्या निकलने से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाले भगवान राम के शरण के नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात की हम लोगों को खुशी है कि हालांकि बीजेपी नेत्री केतकी सिंह ने विरोधियों पर चुटकी लेते हुए जमकर बरसी। केतकी सिंह राम गोविंद चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष से चंद वोटों से विधानसभा में हारने वाली महिला है। इनकी लोकप्रियता क्षेत्र में काफी है। जैसा कि आज ज्ञात है कि 25 तारीख को यानी कल एक विराट धर्म सभा होने वाली है, जिसमें हिंदुओं की आस्था के ऊपर जो लगातार प्रश्न उठ रहा है। मैं राम मंदिर निर्माण कराने के लिए अयोध्या के लिए जा रहा हूं, अपने हजारों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। मैं स्वयं अपनी जो है कमान संभाल कर कितने संख्या में जा रहे हैं आप लोग? मान के चलिए कि मेरे साथ 5,000 लोग। राम मंदिर निर्माण के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो सब करेंगे। वही विपक्ष जैसा हमारे नेताओं का आदेश होगा वैसा सब काम करेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं ये लोग। ऐसा देखिए, विपक्ष तो खुद रूप से उस सब तो पूरे ड्रामाबाज हैं सब। राहुल जो है जिसकी आस्था इटली में बसती है, वो क्या हम लोगों की नैतिकता की पाठ पढ़ाएगा हमारे देश? जो अखिलेश यादव है उसके पास कौन सी नैतिकता है? अरे उसके बाप ने गोलियां चलवा दी हिंदुओं पर, जिसके पिता ने गोली चलवा दी राम भक्तों पर, वो भी जो है राम मंदिर की बात करता है। उससे देश की आजादी में जब मंगल पांडे अपने जीवन की कुर्बानी जो है पहला शहीद के रूप में दे सकता है, तो राम मंदिर बनाने के नाम पर भी बलिया सबसे आगे होगा। आवश्यकता पड़ेगी तो कुर्बानी। जी, मेरा नाम केतकी सिंह है और मैंने पिछला विधानसभा भारतीय विधानसभा से लड़ा है। जी, किस तरह का ये काफिला आपका तैयार हुआ है और कहाँ किधर रवानगी है? जैसा कि आज समस्त भारत ही नहीं समस्त विश्व में ये आज ज्ञात है कि 25 तारीख को यानी कल एक विराट धर्म सभा होने वाली है, जिसमें हिंदुओं की आस्था के ऊपर जो लगातार प्रश्न उठ रहा है, हमारे आस्था का जो प्रश्न है श्री राम मंदिर, उस पर जो चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, जो जिस तरह बैकफुट पे हम सभी रह रहे हैं, उसके खिलाफ समस्त हिंदुओं ने एक प्रदर्शन करने का सोचा है और हम सभी उस प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए जा रहे हैं, सफल बनाने के लिए जा रहे हैं। विपक्षियों का आरोप है कि संतों का सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें बीजेपी से वॉकआउट करने की तैयारी है, इसको देखते हुए आरएसएस और बीजेपी के लोग नौटंकी कर रहे हैं ये 25 नवंबर को। जी, क्या कहना है? जी, मुझे नहीं लगता कि भाजपा को किसी नौटंकी की आवश्यकता है। अगर पूरे भारत में कोई है, कोई ऐसा दल है जो हिंदुओं का नाम लेता है, हिंदू शब्द अपने मुँह से निकालता है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो आरएसएस है और वो संघ है जिसने हम सभी को भी सिखाया कि किस तरह हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है और किस तरह अपने धर्म को लेना चाहिए, उस पर कैसा अभिमान करना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि चुनाव के करीब आने के समय क्यों राम का नाम लिया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय, मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि भाजपा और राम मंदिर कभी अलग हो पाए हैं। जब से भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है तब से लेकर आज तक हर एक दिन लगातार इस प्रश्न पर बात होती रही है कि राम मंदिर कैसे बनेगा। मानते हैं कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है? बिल्कुल, बीजेपी मुझे लगता है कि समस्त जितने भी दल हैं उनमें सबसे अनुशासित अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। तो इतने लोग अगर, इतने बीजेपी कार्यकर्ता, इतने आरएसएस के लोग अगर एक जगह अयोध्या में जुट रहे हैं तो कानून व्यवस्था टूटने का या चरमराने का डर नहीं? आप इसके लिए निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी अनुशासन तोड़ने में विश्वास नहीं रखता। हम अनुशासन बनाकर चलते हैं। आरएसएस एक बहुत पुराना संगठन है जो कई वर्षों से इस देश में है और अपने अनुशासन के लिए ही जाना जाता है। लोग अपनी इस घड़ी का समय सुई तक आरएसएस के समय से मिला सकते हैं।
तो इतने हम अनुशासित हैं और अपनी फिक्र रही ऐसा कुछ नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि हम सब जा रहे हैं, सरकार पर भी दबाव बनेगा और ये जो हमारी आस्था है ये प्रकट होगी सबके सामने और जरूर ऐसा कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा जिससे राम मंदिर निर्माण हो। मैडम जैसा बता रहे थे कि हिंदू तो राहुल बाबा भी आजकल हिंदू बन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, अपने आप को बड़ा शिव भक्त कर रहे हैं, तो वो भी हिंदू हैं। ये कितनी खुशी की बात है बताइए कि भाजपा ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राहुल गांधी जी अब अगर जनेऊ पहनने लगे, मंदिर जाने लगे, तो इससे बड़ा प्रचार क्या हो सकता है। ये हम लोग की बहुत बड़ी कामयाबी है कि समस्त ये जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहते थे परंतु वो सेक्युलर थे नहीं। हिंदुओं को दबाना कहीं से सेक्युलरिज्म नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर हिंदुओं को गाली दो, हिंदू की देवी देवताओं को गाली दो या हिंदू के मंदिरों को तोड़ो फोड़ो तो आप सेक्युलर कहलाएंगे। इन लोगों की यही सोच थी, इसी सोच पे ये काम करते थे और आज हम सभी बहुत खुश हैं कि माननीय राहुल गांधी हुए, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी है, हर कोई आज राम के शरण के नीचे जाने का